नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करिबा रीति साहित्य संपर्क रे। ए रीति साहित्यर जो रीतिर संज्ञा स्वरूप एवं तार किभली ओडिया साहित्य रे तहा रो प्रभाव रही सही संपर्क रे आम किछि आलोचना करिबा। विश्वर प्रत्येकटी वस्तु से जेकोसी वस्तु होना कहीं समस्ते परस्पर ठारु पृथक। कथारे अच्छी गोटे सृष्टि गोटे दृष्टि, हुए तो विश्वर समग्र मानव समाज एक हो पारे, मात्र व्यक्ति हिसाब से प्रत्येक स्वातंत्र सुरक्षित। यही स्वातंत्र विशेषण हेतु जणे अन्यर सत्ता मध्यरे लुचि रही पारे नाही। तेणु संसार रे प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार रो कार्य करंती नाही किंबा एक प्रकार रो कथा कहंती नाही। एही भिन्नता हेतु से माने सहजरे चिन्ही हुवंती। उदाहरण स्वरूप आमे देखिबा, आमे जेते बेले कोनोसी कथारे किंबा भाषारे गाउली शब्द बहुल सरलतार इंगित पाइथाउ ताकू कहूँ फकीर मोहनीय, किंबा जेतेबेले संस्कृत सचेतन आलंकारिक पद विन्यासर परिचय पाइथाउ सेठी कहूँ भंजीय। पुणी जेतेबेले सरल मधुर भाषार सूचना पाउ ताकू कहूँ राधानाथी। तेणु कवि भिन्न, कवितार भिन्न, मनीष भी भिन्न, मनीषर भाषा भी भिन्न। तेणु जणंकर कथन भंगी अन्य जणंकर कथन भंगी ठारु संपूर्ण पृथक। साधारणतः यही कथन भंगीर साहित्यिक नाम हेउची रीति। बुझिपारिथिबे बोधहुए रीति काहाकु कहाजाए। यही कथन भंगी बा यही जो साधारण तह अलग अलग निर्दिष्ट स्वतंत्र परिलक्षित होइथाय ताहाको अलंकार शास्त्र रे रीति कहाजे। रीति माध्यम रे गोटिए सृष्टि रु आउ गोटिए सृष्टि को भिन्न करी देखी हुए। पुणी रीति हेउछि एक लेखकीय स्वतंत्र। रिंग धातु तीन प्रत्यय जोग हले एहा निष्पन्न होइथाय। केउं स्रष्टा बा साहित्यिक किभली रूपरे शब्द को ग्रहण एवं ताहाकु केउं अर्थ दे साहित्यिक सृष्टि करे, साहित्य सृष्टि करे, ताहार कोनोसे नियमबद्ध नथाय। प्रत्येक स्रष्टा तार स्वकीय इच्छा रे शब्द चयन करंती ओ तार विनिजोग करंती तांकर साहित्य कृति रे। ए विनिजोग कौशल बा रचना प्रणाली को सही स्रष्टांकर रीति भाव रे अभिहित करा जाय। प्राच्य साहित्य रे रीतिर स्वतंत्र परिलक्षित होइथाय। प्राच्य अलंकारिक वृंद तांकर जो शास्त्र रे विविध रीतिर उपस्थापना करिछंती। ई जो रीतिर अर्थ कोण, गति, पद्धति, प्रणाली, मार्ग इत्यादि। आलंकारिक भोज रीतिर व्युत्पत्ति संपर्क कही कौन, रिंग गता विधि यात सजो व्युत्पत्तिता रीति रुच्यते। से ही भली भाव पूर्व जो कहली शब्दार्थ सहित हूँ काव्य हूँ। पुणी कौन कह शब्द सहित शब्द साहित्य काव्य। क्रम प्रथा पद्धति स्वभाव बा धारा ताहाकु
रीति बोली विशेषण करछंती बा सूचाई छंती सरल ओडिया अभिधान रे पंडित कुलमणि दास। तेबे रचना प्रणाली को रीति भाव रे मध्य धरिनिया जाइछि। आचार्य भामह प्रथमे तांकर काव्यालंकार रे रीतिर परिचय प्रदान करी दुईटी रीतिर नाम उल्लेख करिथिले। गतानुगतिक न्यायते नानाख्यय मेधनामह जहाँ काव्यालंकार से सूचित करिछंती। कुंतक रीति को कविपुरुष सह एकभूत करिछंती। कवि सहित रीतिर संपर्क अति आंतरिक, तेणु कविर आत्मा भिन्न तार स्थित भौगोलिकता उपरे प्रतिष्ठित नुहे बोली से प्रतिपादित करिछंती। तेणु से रीतिपाई भिन्न भिन्न मार्ग तार निर्देश देथिले। वैदर्भी रीतिपाई सुकुमार मार्ग, गौड़ी रीतिपाई विचित्र मार्ग एवं पांचाली रीतिपाई मध्यम मार्गर नाम उल्लेख करिछंती किए ना कुंतक। संस्कृत नाटकर जे मुख्य पुरोधा भरत मुनि से तांकर नाटक रे कहिछंती जे चतुर्विधा प्रवृत्तिस प्रोक्ता नाट्य प्रयोगतः आवंती दक्षिणात्य च पांचाली गौड़ी माघधी। से आवंती दक्षिणात्य उड्र माघधी और पांचाली एही भली चारिगोटी रीतिर नामोल्लेख करिछंती बा से दर्शाइछंती तांको मतरे चारिगोटी रीति। आचार्य बामन रीति को कविर काव्यर आत्मा बोली धरि नैछंती। आचार्य भामह रीति को दुई भागर विभक्त करछंती गौड़ी वैदर्भी। आचार्य बामन रीति को तीन भागर विभक्त करछंती गौड़ी वैदर्भी पांचाली। विश्वनाथ कविराज रीति को चारि भागर विभक्त करछंती गौड़ी वैदर्भी पांचाली एवं लाटी। भोजराजंक मतरे रीति छ भागर विभक्त गौड़ी वैदर्भी पांचाली लाटी आबंदी एवं माघधी। आनंदवर्धन मध्य तांकर से रीति को तीन भागर विभक्त करछंती असमासा मध्यम समासा एवं दीर्घ समासा। राजशेखर जे रसवादी एवं भरतपंथी से कहिछंती जे गुणवत् अलंकृतं वाक्यं तांकर काव्यर संज्ञा। तांक मतरे वचन विन्यास क्रम रीति अर्थात वचन विन्यास क्रम ही होची रीति। यह प्राय बामनकर संज्ञा धर्मी जे राजशेखर कहिछंती। अष्टम शतकर नवम एवं दश शेष एवं नवम शतकरे तार जो प्रथम भागर मध्यरे आचार्य बामन रीतिवादर प्रतिष्ठा करिपारथिले। से काव्यालंकार रे कहिछंती रीतिरात्मा काव्यस्य एवं काव्यग्राह्यम अलंकारत जहाँ एठारे से कहिले रीति को आत्मा बोली से कहिछंती रीतिरात्मा काव्यस्य आलंकारिक एवं समालोचकगण रीति को मुख्यतः चारि भागरे विभक्त करछंती जहाँ समस्तंक द्वारा ग्रहणीय होइछि। कौन कौन वैदर्भी गौड़ी पांचाली एवं लाटी। प्रथमे आमे देखिबा वैदर्भी रीति विषय रे वैदर्भी रीति कौन ना रीतिमानंक मध्यरे श्रेष्ठ रीति हेउछि वैदर्भी रीति। एथिरे श्रेष प्रासाद समता एवं माधुर्य गुण आदि प्रतिफलित होइछि। एही भली भावरे दश गुण प्रतिफलित होइछि। वैदर्भी रीति विशेषतः माधुर्य गुण को गुरुत्व देथाय। एहा युक्ताक्षर विशिष्ट एथिरे समास प्रायतः नथाय एवं किछि किछि स्थान रे मध्य अल्प समास युक्त करा जायथाय। श्रृंगार करुण और शांत रसर अभिव्यक्ति यही रीति एकांत आवश्यक। मगधे मैथिली अंग बंगे पुणी देखीजी केते सुंदरी
ए जोसा चरण घसा पथर को कही बेटी कही बटी कही सरी वैदर्भी रीतिर उदाहरण अधिकांश जो आलोचना रही वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ भाव ग्रहण करें कबीर विश्वनाथ कविराज यह रीतिर स्वरूप संपर्क कही माधुर्य व्यंजको वर्णी रचना ललितात्मिका आवृत रत्म वृत्तिर्वाहा वैदर्भी रीति रिश्यते अर्थात माधुर्य व्यंजन गुण प्रकाश वर्ण व अक्षर द्वारा अल्प समास युक्त अथवा समासहीन ललित रचना को वैदर्भी रीति कहा जाए था। गौड़ी रीति क्या कहा जाए था? गौड़ी रीति ओजह गुण को व्यस्त गुरुत्व दिया जाए था। एथिरे कठिन वर्ण जथा कठिन युक्ताक्षर गुड़िकर बहु व्यवहार करा जाए था। एथिरे मध्य समासर प्राधान्य लक्ष्य करा जाए था। गौड़ी रीति आडंबर स्वर आडंबर संपन्न विशेषतः वीर विभत्स रौद्र रसर एकांत उपयोगिता एकांत उपयोग रही सेतिपई साहित्य दर्पण रे कहिछंती बा कुहा जाइछि ओजह प्रकाश एकै वर्णै बन्धं आडंबर पुनः पुनः समाजे बहुला गौड़ी अर्थात ओज व्यंजन कठिन वर्ण तथा कठिन युक्ताक्षर सहित समासर बहु व्यवहार को गौड़ी रीति कहा जाए था। यह एक आडंबरपूर्ण रचना भाव ग्रहण करा जाए था। महाजात्रा रे राधानाथ राय लिखिछन्ति श्वेतमणि शिला द्रोणी बाहिनी नर्मदा तीर बने अनुक्षणे मृगया विनोदी आसंती अमित्र छेदी महावीर महाजात्रा रे यहाँ राधानाथ राय लिखिछन्ति यह गौड़ी रीतिर एक उदाहरण। पांचाली रीति कौन? वैदर्भी और गौड़ी रीतिर सम्मिश्रण रे पांचाली रीतिर सृष्टि यह समासयुक्त पांच बा छ पद विशिष्ट समासयुक्त पद यही रीति रे प्रकाश पाई थाए। माधुपद सौकुमार्य यही सब गुण यही रीति रे सन्निविष्ट होई रही थाए। साहित्य दर्पण रे उल्लेख अछि वर्णै से सहु पूर्णद्वय समस्त पंच पदो वर्ण पंचमालिका मता अर्थ कौन? पांच छ विशिष्ट समास युक्त पद यही रीति रे प्रकाश पाई थाए। उदाहरण कौन? कालिंदी जरण कालिंदी जल कल्लोल रंगिया कदम्ब तरुदल त्रिभंगिया कलाकमल कज्वल कालिया कदम्ब तरुदल त्रिभंगिया रसकल्लोल दीनकृष्ण दास कहते। परिशेषर लाटिलीति कौन? मागधी और पांचाली रीतिर मध्यवर्ती रचन लाटिलीति प्रतिफलित सृष्टि होई यही रीतिर समासर व्यवहार सहित विभिन्न युक्ताक्षर मध्यम व्यवहार होई पांचाली और गौड़ी रीतिर सम्मिश्रण रे यह सृष्टि होई बोली कहा जाए था। एथिरे माधुर्य और क्रांति गुणर व्यवहार रही मृदुपद युक्त समास द्वारा यह मनोहर होई थाए। साहित्य दर्पण रे कहा जाए लाटिलीति वैदर्भी पंचल्योरंतरे स्थिता वैदर्भी और पांचाली मध्यवर्ती रीति को लाटी रीति कहा जाए था। केतक यह वैदर्भी पांचाली रीतिर समन्वय सृष्टि होता कथा प्रकाश कर। उदाहरण कौन? आरे बाबू श्याम घन तुगले मधुभुवन कहा मुख नाई बंचीबि हेब दश दिग शून्य अस्थिर हेब जीवन निशी दिवस झुरु थी रे जीवधन मथुरा मंगल रे कवि भक्तचरण विदग्ध चिंतामणि से ही भाव कह
କାହିଁକି ଔଷଧ ଈଶ ନାମ ବିଧିଲେ ଲୋକେଶ ବିରହ ବ୍ୟାସ ବିନାଶ ନକଲେ ଲେସ ରଜନ କଳିଙ୍ଗି ନହେଲେ ବ୍ୟବହାର କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ ଇସାର କେଡ଼େ ଲୋକର କୁମର କିଏ ବେ ଭରା ସଜନୀ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କାବ୍ୟ ରୀତିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ମୁଁ ବି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥକ ରୂପେ ବିଚାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ରୀତି କେବଳ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏହା କବିର ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୀତିର ବିଭାବୀକରଣ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ କବି ଗୋଟିଏକୁ ରୀତି ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ କରାଯାଏ ବା କବି ଯଦି କବି ଯେତୋଟି ରୀତି ସେତୋଟି ଏହି କଥା କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥତା ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।